प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आ रहे हैं नमस्कार दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिवादन आज डॉ बी आर अम्बेडकर के एक सौ जयंती वर्ष तथा दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दसवें स्थापना वर्ष पर आयोजित अनुसूचित जाति एवं जनजातीय उद्यमियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में हमारे बीच हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री माननीय श्री थावरचंद जी गहलोत सी के प्रेसिडेंट श्री सुमित मजुमदार डिक्की के चेयरमैन श्री मिलिंद कामले डी के मेंटर श्री चंद्रभान प्रसाद डिक्की के साउथ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री रवि कुमार नारा और डिक्की की महिला विंग की मेंटर श्रीमती कल्पना सरोज हम आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिवादन करते हैं और अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी तथा श्री थावरचंद जी गहलोत और मंचस्थ सभी गणमान्य महानुभावों से कृपया दीप प्रज्वलित करें और फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें संविधान शिल्पी डॉ अम्बेडकर को समग्र राष्ट्र की विनम्र श्रद्धांजलि वर्ष 2005 में स्थापित दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फाउंडर चेयरमैन हैं सिविल इंजीनियर और उद्यमी श्री मिलिंद काम्बले हम उनसे विनम्र अनुरोध करते हैं कृपया सभी का स्वागत करते हुए अपने विचार व्यक्त करें मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी सी के अध्यक्ष श्री सुमित मुजुमदार जी मेरे साथी तथा डिक्की के मेंटोर दलित विषय के चिंतक श्री चंद्रभान प्रसाद जी डिक्की साउथ इंडिया के अध्यक्ष पद्मश्री रवि कुमार नारा डिक्की महिला विभाग के मेंटोर पद्मश्री कल्पना सरोज जी सभागृह में उपस्थित मान्यवर अतिथिगण अधिकारी वर्ग पत्रकार और देश के सभी राज्यों से आए हुए डिक्की के सदस्य भाई और बहनों सभागृह में कुछ विशेष अतिथि भी उपस्थित है जिनका भी उल्लेख मुझे करना चाहिए पीएल पुनिया जी है यस कमीशन के चेयरमैन रावल किशोर बाबू सोशल जस्टिस मिनिस्टर आंध्र प्रदेश बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एम एंड सीईओ आशीष चौहान जी जो हमारे एडवाइज़र हैं, आईडीबीआई डी बैंक के एमडी एंड सीईओ हमारे मार्गदर्शक श्री किशोर खराज जी यहाँ पर उपस्थित है और सभी भाई और बहनों भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का यह 125वां जयंती वर्ष एवं डिक्की के 10वें स्थापना वर्ष पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं आपका दलित इंडियन चेंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भारत सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को विनती करता हूं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए हैं तो मैं आप सभी को खड़े रहकर उनका ताली के साथ स्वागत करने को कहता हूं भाई और बहनों डिक्की की स्थापना 2005 में पुणे से हुई और आज देश के सभी राज्यों में जम्मू कश्मीर से लेके वेस्ट बंगाल और केरला पाण्डिचेरी से लेके गुजरात महाराष्ट्र पूरे देश भर में डिक्की के चैप्टर्स हैं और लगभग 3000 से अधिक डिक्की के सदस्य इस देश में हो गए हैं भाइयों जैसे हम समझते हैं कि दलित समाज में पॉलिटिकल, सोशल इंटेलेक्चुअल लीडरशिप है मगर दलित समाज में बिजनेस लीडरशिप नहीं थी तो वह बिजनेस लीडरशिप निर्माण करने के लिए डिक्की ने पहल की और अभी जो दलित समाज के जो बिजनेस लीडर यहाँ बैठे हैं पूरे देश भर से सर यह भारत का एक छोटा रूप है यहाँ पे झारखंड से लेके हरियाणा पंजाब से लेके पूरे गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका सभी से यहाँ लोग उपस्थित हैं उसी के साथ में डिक्की के विदेश में सात राज्यों में चैप्टर है जिसमें से इंग्लैंड यूके साउथ अफ्रीका नेदरलैंड जर्मनी यहाँ से भी हमारे प्रतिनिधि जो इंडियन रेजिडेंट है यहाँ के दलित समाज के हैं वहाँ जाके कारोबार कर रहे हैं वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं मैं इन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और भाइयों डिक्की की जो जर्नी है आज हम लोग दस साल पूरे कर रहे हैं इस दस साल में आ, एक बहुत बड़ा मुकाम हमने हासिल किया है इस देश के जो नौजवान है दलित समाज के उसके सामने दो ही रास्ते थे एक रास्ता नौकरी की ओर जाता है आई बनना है आई बनना है या सरकारी ऑफिस में बाबू बनना है यह एक रास्ता है दूसरा पॉलिटिक्स में जाना है पार्षद बनना है एम पी एम एल ए मिनिस्टर बनना है ये दो रास्ते दलित समाज के युवाओं के सामने थे डिक्की ने बिजनेस का एक तीसरा रास्ता इस देश के युवाओं को दिखाया है और उस रास्ते से हम सब लोग चल रहे हैं एक दलित समाज के युवाओं के लिए एक लाइफ चेंजिंग ऐसा रोल डिक्की इस देश में अदा कर रही है मुझे यह बहुत खुशी है कि आज आज हम 10 साल पूरे कर रहे हैं भारत सरकार ने 2011 में एक डिक्की को नेशनल चेंबर के रूप में मान्यता दी उसके बाद में देश के सभी राज्यों में देश के सभी राज्यों ने डिक्की के साथ काम का, हम आ, काम कर रहे हैं और सरकार ने भी उन्हीं राज्यों ने मान्यता दी है यह एक बहुत बड़ी बात है दस साल में हम नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे यह एक स्लोगन लेके हम लोग चल रहे हैं भाइयों हम बाबा साहब अंबेडकर जी के फॉलोअर हैं उनकी 125वीं जयंती पूरा देश भारत सरकार मना रहा है तो हम बाबा साहब अंबेडकर जी के अनुयायी हैं बाबा साहब ने इस देश में अपने विद्वत्ता के ऊपर एक स्थान बनाया था हम उनके अनुयायी हैं उन्होंने हमारे लिए रिजर्वेशन निर्माण किया मगर वो कोई रिजर्वेशन के प्रोडक्ट नहीं थे तो हम उनके अनुयायी हम नौकरी नहीं मांगेंगे हम नौकरी देने वाले बनेंगे यह एक हम के आगे चल रहे हैं तो भाइयों आज मैं आपको बता दूं अमेरिका में उन्नीस सौ सदसर, में जो रि, रिचर्ड निक्सन ने जो नारा दिया था ब्लैक कैपिटलिज्म का और उन्होंने उनके सरकार ने बहुत सारे दो लाख ब्लैक यूथ को नौकरी दिया और एक अफर्मेटिव एक्शन अमेरिका में शुरू हो गई तो उसी प्रकार भारत में भी अफर्मेटिव एक्शन शुरू हुई है इंडियन इंडस्ट्री उसके ऊपर काम कर रही है मैं सी के नेशनल काउंसिल में हूँ और डिक्की सी सीआईए का एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है जो अफर्मेटिव एक्शन के लिए काम कर रहा है लगभग 500 दलित उद्यमियों को सी आई आई के विभिन्न कंपनियों में एज अ सप्लायर एंड वेंडर हमने जोड़ा है सरकार के साथ भी हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं आ, सरकार के साथ पॉलिसी इंटरवेंशन में काम कर रहे हैं विभिन्न विभिन्न विभागों में और सरकार से भी बहुत अच्छा रिस्पांस है मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती वर्ष वह बहुत ही उल्लास से सर सरकार मना रही है मैं प्रधानमंत्री जी को दो तीन बातों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इंदू मिल में एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा स्मारक सरकार बना रही है महाराष्ट्र में लंदन में जो बाबा साहब का घर था वह परचेस किया इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सर दूसरा जो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया आपने जो अपील किया है 15 अगस्त से देश की सवा लाख ब्रांचेस एक शेड्यूल कास्ट एक आदिवासी एक महिला को उद्यमी बनाए अगर वो बनते हैं तो एक देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है ये ये सब पहल के लिए मैं डिक्की की ओर से भारत सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय सोशल जस्टिस मिनिस्टर जी को अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं सर हम लोग जो काम कर रहे हैं हम ये जानते हैं इस देश में जो कारपोरेट जगत है उनको इस देश के पॉलिसी का बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहा हुआ है पॉलिसी एंड लाइसेंस इसका सपोर्ट रहा हुआ है और वो अभी बड़े कारपोरेट घराने बने हुए हैं और उनकी मेहनत भी उसमें है मगर अहम रोल इस देश के पॉलिसी का उनको सपोर्ट रहा है वह सिमिलर पॉलिसी सपोर्ट अगर हमारे एस सी एस टी जो है उनको अगर मिलता है तो इस देश में एक बड़ा फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन का काम होगा सर सर बहुत बार मुझे लोग कहते हैं कि मिलिंद आखिर ये दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यह आपने क्यों बनाई और आपका अंतिम उद्दिष्ट क्या है सर मैं यहाँ बड़ी नम्रता से यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमें इस देश के इकोनॉमी के भागीदार बनना है हमें इस देश के जीडीपी के कंट्रीब्यूटर बनना है यही डिक्की का एक मकसद है और दलित समाज में जो लोग आगे आना चाहते हैं उसके लिए डिक्की यहाँ पे खड़ा है वह आप सबको मदद करेगा आप सभी को पूरे देश भर से आए हुए सर एक दूसरा भी हॉल है उसमें स्टूडेंट बैठे हैं मैं सब स्टूडेंट को भी हाय कहता हूँ 300 इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट आए हैं जो इस देश का भविष्य है हमारी जो कैच दम यंग यह जो कंसेप्ट है उसके तहत जो स्टूडेंट आए हैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को थैंक यू वेरी मच श्री मिलिंद कामले ने सभी का स्वागत करते हुए डिक्की की विविध गतिविधियों का उल्लेख किया हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और अब सी के प्रेसिडेंट श्री सुमित जी से हम अनुरोध करते हैं कृपया आज के इस अवसर पर सभी को संबोधित करें वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू Honorable Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi, Sri Thawarchand Gelot, Union Minister for Social Justice and Empowerment, my fellow colleagues from DICCI and DICCI office bearers, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. May I start with my own personal welcome to our Honorable Prime Minister. To this very significant occasion. Your presence, sir, today is indeed the most important signal towards the objectives for which we are assembled here. I would also like to, on behalf of CII, take this opportunity to congratulate the Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry on their 10th anniversary, which is coinciding with the 125th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. Milan Bhai, thank you for inviting me and CII to be part of this celebration. You have been a long standing friend of CII. It's been a great experience for all of us at CII to have worked with you and your fabulous team. Milan is, of course, a member of the CII's Apex National Chamber of Commerce, and we truly appreciate his contribution to the Council. Honorable Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi, we are, under your leadership strive towards a high trajectory GDP growth. It is imperative to take into consideration all sections of society to build a strong nation. Industry understands the need for inclusive growth, our role towards society on a larger canvas to help build a stronger nation. We recognize the Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry as the platform for Dalit entrepreneurs. Diki instills the spirit of entrepreneurship amongst Dalit youths and empowers them to enter the business enter business and industry and carve their own niche. We at CII and industry believe in and have complete faith in your call of saath, Sapka Vikas. This will help focus on transformational development for growth. This is indeed most important as we create sustainable and scalable models to ensure that weaker sections are included in the economic mainstream of the country. I'm happy to say that now, as part of the affirmative action work in CII in the last few years, more than 1,28,000 scholarships. Have been granted to SC and ST students by industry. <laughs> Around 2,50,000 SC, ST candidates have undergone skill development training, and over a lakh new employments have been given. I would say the figure is actually much higher, but it is not very easy to collect this data, so we believe the figure is much higher. CII, and I personally wish Dicky all success in their endeavor. We hope to see many such inspiring Dalit entrepreneurs as those here with us today. We assure you of CII's full support and cooperation. <laughs> today, with the August presence and participation of our Honorable Prime Minister, we look forward to his advice, guidance, and directions so that we are able to bring in a stronger focus to this very important mission. श्री सुमित मजुमदार का हम आभार व्यक्त करते हैं और अब विनम्र अनुरोध करते हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री माननीय श्री थावरचंद जी गहलोत से कि कृपया आज के इस अवसर पर सभी को संबोधित करें आदरणीय प्रधानमंत्री जी डिक्की के चेयरमैन आदरणीय मिलिंद कामले जी सीआईआई के चेयरमैन आदरणीय सुमित मजुमदार जी आदरणीय चंद्रभान प्रसाद जी आदरणीय रवि कुमार जी आदरणीय श्रीमती कल्पना सरोज जी उपस्थित सभी बहनों और भाइयों मैं आप सबका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि डिक्की द्वारा भारत सरकार की योजनाओं को और कौशल विकास की दृष्टि से तथा दलित वर्ग में उद्यमिता के प्रचार प्रसार की दृष्टि से सराहनीय काम किया जा रहा है मैं आपकी ओर से डिक्की का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे विभाग की ओर से भी हम औद्योगिक विकास और उद्यमिता की दृष्टि से कुछ कार्य योजनाएं चलाते हैं भारत सरकार की ओर से जनधन योजना मुद्रा योजना और कौशल प्रशिक्षण की दृष्टि से जो कार्य योजनाएं संचालित की जा रही है उसमें मेरे विभाग की ओर से हम सहभागिता करते हैं प्रयास करते हैं राज्य सरकारों के माध्यम से राज्य सरकारों के अधिकारियों के माध्यम से और डिक्की के माध्यम से और सीआईआई के माध्यम से कि दलित वर्ग के लोग भी उद्यमिता की दिशा में अग्रसर हों और स्वयं कारोबार करें और दूसरों को भी कारोबार में लगाएँ मेरे विभाग की ओर से 405 करोड़ रुपए की उद्यमिता योजना हमने प्रारंभ की है 200 करोड़ की वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से और 200 करोड़ की उद्यमिता योजना के अंतर्गत तथा 5 करोड़ हरित व्यवसाय योजना के माध्यम से इन योजनाओं के माध्यम से हमने अभी तक लगभग एक करोड़ रुपये सहयोग देकर के लोगों को उद्यमी बनाने का प्रयास किया है और वो उद्योग संचालन करने में अग्रसर हो रहे हैं इसी प्रकार से अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम और अनुसूचित जाति वित्त विकास के साथ साथ विकलांग वित्त विकास निगम के माध्यम से भी हम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को पिछड़े वर्ग के लोगों को और जनजाति वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं पिछले साल हमने लगभग डेढ़ लाख लोगों को प्रशिक्षित किया था प्रशिक्षण के साथ ही साथ इन वित्त विकास निगमों के माध्यम से चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं इसके साथ ही साथ मुद्रा योजना के माध्यम से और भारत सरकार के और राज्य सरकार की भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के हमारे अधिकारी कर्मचारी इन योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके आशीर्वाद से हमने हाथ से मेला ढोने वाली प्रथा को पूर्णतया समाप्त करने का संकल्प लिया है और इस संकल्प के साथ साथ हमने हाथ से मेला ढोने वाले ऐसे कर्मचारियों की पहचान करने का काम प्रारंभ किया है हालांकि ये काम राज्य सरकारों के माध्यम से हम आइडेंटिफिकेशन का करते हैं परंतु हमारे विभाग की ओर से भी इस दिशा में हम प्रयास करते हैं अभी तक हमने साढ़े सात हज़ार ऐसे लोग जो हाथ से मेला ढोने वाली प्रथा के अंतर्गत सफाई काम करते थे उनको उस धंधे से मुक्त कराया है एक मुश्त चालीस हजार रुपये की धनराशि दी है इसके साथ ही साथ उनको प्रशिक्षण दिया है कौशल प्रशिक्षण देने के बाद में उनको आर्थिक ऋण सहायता भी प्रदान की है और जब हम प्रशिक्षण देते हैं तो डेढ़ हज़ार रुपये महीना उनको वजीफा भी देते हैं ये प्रयास हमारा निरंतर जारी है मैं एक खुशी की बात आपको बताता हूँ कि देश भर की ढाई महिलाओं को अभी हमने सात महीने की कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रेनिंग दी है वो ट्रेंड हो गई है ड्राइविंग लाइसेंस उनको उपलब्ध हो गया है उसमें से नब्बे बहनों को हमने नौकरी देने का काम भी किया है कुछ बहनों को लोन दे करके गाड़ी वगैरह खरीदने की सुविधा उपलब्ध कराई है इस प्रकार से भारत सरकार की भिन्न भिन्न योजनाओं के साथ साथ मेरे विभाग की योजनाओं का भी लाभ हम दलित वर्ग के लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं आप सबका सहयोग समर्थन आशीर्वाद मिलता रहे इसी प्रार्थना के साथ मैं ये महसूस करता हूँ कि अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ जो साल भर मनाने का प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है आने वाले सभी कार्यक्रमों में आप सहयोग प्रदान करेंगे अम्बेडकर जी की सोच समाज और देश के विकास में उद्योगों का महत्व है उद्यमिता का महत्व है इसको परिचालित करना इसको आगे बढ़ाने का काम इसकी महत्ता को प्रतिबंधित करने का काम डिक्की द्वारा भी किया जा रहा है हम सब मिलकर के इसमें सहयोग करेंगे तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से देश में और समाज में विकास की गति तेज होगी और प्रधानमंत्री जी की कार्य योजना को हम साकार रूप देने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे धन्यवाद जय हिंद जय भारत भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया माननीय श्री थावरचंद जी गहलोत ने हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचों में ढल गए कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमी आज देश की अर्थव्यवस्था में अपने आर्थिक सामर्थ्य से बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं उन्होंने कठिन संघर्ष करके अपने रास्ते स्वयं बनाए हैं और आज सफलता उनके कदम चूम रही है उनमें से कुछ उद्यमी आज हमारे बीच हैं हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया उन्हें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल बिजनेस एक्सलेंस अवार्ड प्रदान करें हम उनसे विनम्र अनुरोध करते हैं कृपया मंच के आगे आएं। श्रीमती तिरुमला अग्नि सुमुख की मालकिन श्रीमती तिरुमला के पति सांगी श्री हरिराव ने कमर्शियल रसोई के लिए एक विशेष बर्नर का निर्माण किया है जिसमें न आग है न धुआं है और न ही शोर है इसमें 30 प्रतिशत एलपीजी की भी बचत होती है ये बर्नर्स एक वर्ष में लगभग 10 मिलियन टन कार्बन कम करते हैं जो वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के भारत के संकल्प के 50 प्रतिशत के बराबर है और जो 45 करोड़ पेड़ लगाने की हरितिमा के समान है श्रीमती एम तिरुमला रेखा डॉक्टर अशोक खाडे डॉक्टर खाडे की दास ऑफशोर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ऑयल एंड गैस प्लेटफॉर्म के रिपेयर तथा नए प्लेटफॉर्म के निर्माता हैं, जिसका सालाना टर्नओवर लगभग सौ करोड़ रुपए है इनकी कंपनी में 2,500 वेतन भोगी वेतनभोगी हैं जिनमें से एक सौ इंजीनियर्स हैं श्री अशोक के पिता शू रिपेयरिंग करते थे और माँ खेतों में काम करती थी डॉक्टर अशोक खाडे श्री रति भाई मकवाणा भावनगर में जन्मे श्री रति भाई गुजरात इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक हैं और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक ग्रैनुअल्स का व्यवसाय करते हैं जिसका वार्षिक टर्नओवर एक हजार करोड़ रुपए है अठारह अठारह वर्ष की उम्र से रतिभाई स्कूल की पढ़ाई छोड़कर उस समय पिता के चमड़े के व्यवसाय से जुड़ गए थे श्री रति भाई मकवाणा श्री राजेश देहरादून में जन्मे श्री राजेश की कंपनी स्टील मॉन्ट की शाखाएं भारत के अलावा यूक्रेन यूके रशिया जर्मनी इटली यूएआर तथा चीन में है जिनका सालाना टर्नओवर 200 मिलियन यूएस डॉलर्स है उन... 1986 में श्री राजेश सोवियत यूनियन फेलोशिप पर मॉस्को गए थे और वहां अनेक क्षेत्रों में बिजनेस करने के बाद अंततः स्टील के क्षेत्र में आए थे श्री राजेश सरैया और अब अंतिम पुरस्कार जो इसी वर्ष से प्रारंभ किया जा रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल अफर्मेटिव एक्शन अवार्ड ये पुरस्कार उन कॉरपोरेट घरानों के लिए है जो समाज के लिए सकारात्मक कार्य कर रहे हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रहे हैं इस वर्ष ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है टाटा समूह को इन्होंने अपने विभिन्न कंपनियों में 300 अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमियों को वेंडर सप्लायर का, का काम करने का अवसर प्रदान किया है वर्ष 2013-14 में टाटा समूह ने इन उद्यमियों को डेढ़ करोड़ रुपए का बिजनेस दिया है अफर्मिटी एक्शन काउंसिल ऑफ टाटा ग्रुप के हेड एच आर ओ चेयरमैन डॉ एन एस राजन पुरस्कार ग्रहण करेंगे पुरस्कार वितरण हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमियों में जागरूकता पैदा करने तथा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से डिक्की द्वारा एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कृपया उस ऐप का शुभारंभ करें डिकी के 10 वर्षों की यात्रा को प्रस्तुत करती एक रिपोर्ट तैयार की गई है ग्लोरियस डेकेड हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कृपया उसका लोकार्पण करें माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकार्पण के लिए आभार व्यक्त करते हैं और अब इन्हीं दस वर्षों को रेखांकित करती एक लघु फिल्म अब आपके समक्ष प्रस्तुत है Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to this unique national conference, we appreciate your support and encouragement, sir. Developing business leadership, be job givers. Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry is built on the struggles and dreams of Baba Sahib, Dr. B. R. Ambedkar. Dickey runs on his inspiration it has taken up the mantle to provide dalits with the knowledge and skills needed to take their rightful place in the world of business in india formed in 2005 by milind kamble diki has chapters in most parts of india and it has international chapters in britain uae japan germany south africa france and netherlands the formation of diki has created a new hope for millions and scripted a new path for Dalits to rebrand themselves. In a short decade, Diki has succeeded in roping in the government and the private sector as partners. In an amazing journey of achievements and creating an impact on the lives of Dalit entrepreneurs, Diki has spent the past 10 years to motivate and influence public opinion in favor of entrepreneurship. As market-driven economy has its share of volatility, the community has understood that the sustainable way to be a part of the rapidly changing markets is to embrace and explore entrepreneurship, not rejecting it. The evidence of DICE's success is everywhere to see. The central and state governments and the private sector included Dickey as a member of RBI's Monetary Policy Consultative Committee, National Board of Ministry of MSME. BFSI, National Skill Development Council, CII's Affirmative Action Council, CII National Executive Council, Consultative Committee of DGNSD, Consultative Committee of DMIC, and various state government industrial promotion institutions. DICI provides a roadmap to travel in the path of learning and enrichment through networking and knowledge sharing dicky regularly organises business trade fairs, seminars and workshops, interaction with industry and government, shares information on latest trends and opportunities. during the past 10 years, dicky organised four national expos and could achieve successfully 4% procurement policy in favour of dalit businessmen from the government of india, connected 500 scst entrepreneurs to big business houses as suppliers. As Dicky charts out the future course of action, it is confronting many challenges in terms of fostering entrepreneurship among the community, indifferent public policies, diversion of funds, hurdles to access finance, technology, market support, and mentorship. The other major challenge is the absence of a level playing field. Dalits' access to opportunities is less compared to other well-off sections. DICI also seeks sincere and strict implementation of existing favorable policies and their monitoring by integrating Dickey in high-powered committees. This journey is continuing with renewed vigor to achieve the objective of creating as many Dalit entrepreneurs as possible who will be job givers. These job givers will also contribute to national progress by creating jobs and demand. They are not only a part of India's flagship programs on productivity, entrepreneurship and skill enablement, but critical to their success. In the next decade, Dickey plans to create 100 Dalit Rupee Billionaire Enterprises. We'll set up incubation and skill development centers across India with the support of state governments and CII, where 25,000 SCSD youth will be trained. And aims to create 5,000 SCST women entrepreneurs and 5,000 from the ST entrepreneurs. We are Dicky and Pramod. मुश्किलों से खेलने का जिनको हासिल है शाहूर, वो कभी माननीय प्रधानमंत्री जी से हम विनम्र अनुरोध करते हैं कृपया आज के इस अवसर पर अपनी ओजमय वाणी में सभी को संबोधित करें मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान थावरचंद जी गहलोत श्री मिलिंद कामले श्री चंद्रभान प्रसाद सुश्री कल्पना सरोज श्री रवि कुमार श्री सुमित मुजुमदार जी और उपस्थित सभी महानुभाव आप सब ने मुझे खड़े होकर के सम्मानित किया लेकिन मैं मानता हूं कि इस सम्मान का अगर कोई एक व्यक्ति अधिकारी है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और इसलिए आपने जो सम्मान दिया है वो सम्मान के जो हकदार है उन बाबा साहब के श्री चरणों में मैं समर्पित करता हूं अभी कुछ दिन पहले मैंने मन की बात में एक विषय का जिक्र किया था मैंने कहा था कि बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें संविधान दिया लेकिन आजादी के साठ साल में हम ज्यादातर अधिकारों की चर्चा करते रहे हैं देश में जहां भी जहां देखो अधिकार की चर्चा होती है क्यों न इस 26 जनवरी को हम कर्तव्य की चर्चा करें ऐसी एक बात मैंने मन की बात में रखी थी लेकिन आज मुझे स्वीकार करना चाहिए सर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए कि यह सभागुरु और यहां उपस्थित लोग वे हैं जो सिर्फ कर्तव्य की चर्चा नहीं कर्तव्य करके दिखाया है अधिकार की चर्चा कर सकते थे लेकिन उससे ऊपर उठ करके उन्होंने कर्तव्य के रास्ते को चुना है और आज आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर कर बैठ करके यहां आज उपस्थित हुए हैं इस अवसर का सबसे ज्यादा किसी को आनंद हुआ होगा तो बाबा साहब आंबेडकर के आत्मा को तो। इस सभागृह पॉलिटिशियनों से खचाखच अगर भरा होता सभी शेड्यूल का शिड्यूल टाइप के पॉलिटिशियन से भरा होता मेरे जैसा पिछड़ा भी उसमें होता तो भी शायद बाबा साहब उतने प्रसन्न नहीं होते जितने आज प्रसन्न होते क्योंकि बाबा साहब ने हमें क्या सिखाया बाबा साहब ने जो सिखाया इसी का रास्ता आपने चुना है इस सभागृह में वो लोग हैं जो हर हर वर्ष सरकार की तिजोरी में सैकड़ों करोड़ों रुपयों का टैक्स देते हैं ये वो लोग हैं जो सरकार की तिजोरी भरते हैं और ये वो लोग हैं जो लाखों लाखों नौजवानों को रोजगार देते हैं ये वो लोग हैं जो सरकार की तिजोरी भी भरते हैं और गरीबों का पेट भी भरते हैं मैं मानता हूं मुझे यहां आपके बीच आकर के आपके दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला है मैं मिलिन का और उसके सभी साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं मुझे बताया कि ये जो डेलीगेट्स आए हैं वो अपनी जेब से पंद्रह सौ रुपया डेलीगेशन फी दे करके आए हैं और ये डेलीगेट्स खुद के खर्चे से यहां होटलों में ठहरे हैं। हम जानते हैं देश का जमाना कैसा है आने के लिए वो पूछता है क्या दोगे <laughs> और यही तो चीज है कि जिसके कारण पुरानी सोच को बदलने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो नए सिरे से सोचने के लिए कारण बनने वाला है इस यात्रा को दस वर्ष हुए हैं सुबह संयोग है कि बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती हम मना रहे हैं बाबा साहब को संविधान निर्माता के रूप में तो बहुत हम जानते हैं लेकिन अर्थशास्त्री के रूप में उतना ज्यादा परिचय नहीं हुआ है बाबा साहब के भीतर अगर झोंके तो भारत की आर्थिक समस्याओं के समाधान के सारे रास्ते वहां से निकल आते हैं कभी कभी मैं सोचता हूं जिस रिजर्व बैंक की कल्पना बाबा साहब ने की और जिसके कारण रिजर्व बैंक की रचना हुई लेकिन दुख तब होता है बैंक में किसी दलित को लोन चाहिए तो लोहे के चने चबाने पड़ते हैं यह स्थिति पलटनी है इस देश का इतना बड़ा वर्ग और ये कसौटियों से निखरा हुआ वर्ग है समाज का एक वर्ग है जिसे ठंडी क्या होती है गर्मी क्या होती है खुले पैर चलने से कंकर क्या से दबता है इसका पता तक नहीं है वो तो, तो बनी बनाई अवस्था में चल पड़ा है लेकिन ये वो लोग हैं जिसने जिंदगी के हर कष्ट झेले हैं हर अपमान झेले हैं मुसीबतों का सामना किया है और एक प्रकार से कसौटी से कसता 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 अपने जिंदगी को बनाता बनाता उभर करके आया है उसकी ताकत कितनी होगी उसका अंदाज मुझे भली भांति है लोहे का मूल्य होता है लेकिन स्टील का ज्यादा होता है क्योंकि वो प्रक्रिया से निकला हुआ है आप लोग आत्मनिर्भर हैं और आत्माभिमानी भी है तीन हजार से ज्यादा दलित एंटरप्रेनर इसकी सदस्यता है लेकिन मैं मिलिन को बता रहा था मैं मिलिन कहता हूं तो बुरा मत मानिए मैं इसको विद्यार्थी काल से जानता हूं <laughs> तो समाज में तीन हजार से भी बहुत ज्यादा होंगे हम उन तक कैसे पहुंचे उनको इस प्रभाव से कैसे जोड़े बहन कल्पना के नेतृत्व में 300 सौ विमेन एंटरप्रिनर का एक यूनिट बना है विमेन एंटरप्रिनर भी आप देखिए मैंने कर्नाटक की एक बेटी को अभी सम्मानित किया जो लोग एनवायरमेंट की चर्चा करते हैं पेरिस में बहुत बड़े बड़े समारोह होते हैं रास्ते कर्नाटक में कोई एक दलित कन्या खोज करके देती है ये जब तक हम उजागर नहीं करते हम लोगों को परिचित नहीं करते मैं हमारे रति भाई से तो भारी परिचित हूं मेरे भावनगर के हैं तो किस प्रकार से उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया है मैं भली बात ही जानता हूं समाज में यह शक्ति पड़ी है कुछ लोगों को लगता होगा कि यह सिर्फ एक आर्थिक और व्यवसायिक जगत की चर्चा का विषय है मैं जरा उससे हटकर के बात करना चाहता हूं इसका एक सामाजिक स्तंभ है इस सारी घटना का और मैं चाहूंगा कि देश का इस तरफ ध्यान जाए मुझे बताया गया कि सभागृह छोटा पड़ गया तो दूसरे सभागृह में सब लोग बैठे हैं करीब बोले 400 नौजवान वहाँ बैठे हैं मैं उनको भी सलाम करता हूँ कभी कभार जब हम खबरें सुनते हैं कि जीवन में अघटित हो जाए निराशा आ जाए तो इंसान सोचता है अब जीना बेकार है अब तो क्या करना कोई मेरे साथ नहीं है आत्महत्या के रास्ते पर चल पड़ता है अच्छे घर के नौजवान भी कभी कभी उस रास्ते पर चल पड़ते हैं मैं आज सभागृह में जिनके भी मन में कभी आत्महत्या का विचार आता है उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आत्मकन्या हत्या करने के विचार आने से पहले एक बार कल्पना सरोज को फोन कर दीजिए एक बार कल्पना को फोन कर दी कि बहुत कम लोगों को मालूम होगा कल्पना ने अपनी जिंदगी को कहां से कहां ले गई है कितने संकटों से ले गई जीवन और मृत्यु में से तय करने का था उसने जीवन को जीना तय कर लिया और आज हमारे सामने बैठी यानी निराशा के माहौल में भी जीने की आस जगाने की ताकत अगर कोई दे सकता है तो ये पूरा समाज दे सकता है और इस शक्ति को पहचानना उस शक्ति को पहचान करके राष्ट्र को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना आर्थिक पहलुओं से भी ज्यादा कभी कभी सामाजिक पहलू बहुत ताकतवर होते हैं जिन सामाजिक पहलुओं ने सदियों तक हमें बर्बादी के रास्ते पर ले गया वही चीज आज अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके समाज की सदियों पुराने संकटों से बाहर लाने का ताकत भी बन सकती है और इसलिए ऐसी शक्तियों को परा हमारा नजर जानी चाहिए अभी सरकार ने एक फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर है उनके लिए वेंचर कैपिटल फंड की रचना की है ये मूलतः शिड्यूल का सिलूर ट्राइब के लोगों के लिए है क्योंकि उसको तो विरासत में एंटरप्रेन्योरशिप कहां मिलेगी बेचारे को उसको तो कभी विरासत में उसके पिता माता तो मजदूरी करके जिंदगी गुजारी है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर। मैं बैंकों को भी कहता हूं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट को तो लोन देने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं मुझे ग्रीन फील्ड को देना है नई ताकत उससे उभरती है नए लोग उससे आते हैं अभी सरकार की जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है पीएम माई उस योजना के तहत समाज के इस प्रकार के तबके के लोग पिछले सात आठ महीने में इस योजना को आगे बढ़ाया करीब करीब अस्सी लाख लोगों को एक भी रुपये की गारंटी के बिना बैंकों से लोन दिया गया करीब पचास हजार करोड़ से ज्यादा रुपया दिया गया और ये लेने वाले कौन हैं अधिकतम उसमें दलित है ओबीसी है एसटी हैं है और कुछ महिलाएं हैं और वे छोटे छोटे काम करते हैं लेकिन उनको लगता है कि मैं कुछ और बढ़ाऊं ब्याज लेकर के शराब को पैसे देता हूं उससे बाहर निकलू और मैं अपना काम करूं और ये वो लोग हैं कोई एक को रोजगार देता है कोई दो को रोजगार देता है कोई तीन को रोजगार देता है इस देश में ऐसे लोग करीब चौदह करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं चौदह करोड़ लोगों को लेकिन वे बैंक के दायरे में थे ही नहीं बैंक के हिसाब किताब में ही नहीं थे जो 300 लोगों को रोजगार देता है लेकिन बड़ी हाईफाई फैक्ट्री बनाता है तो बैंक वाला उसके घर जाने को तैयार है लेकिन एक गांव के 10 लोग छोटा छोटा काम करके 50 लोगों को रोजगार देते हैं उसकी तरफ नजर नहीं जाती हमारी पूरी कोशिश यह है इंक्लूजन फाइनेंशियल इंक्लूजन कभी कभी हमारे देश में डिबेट होता रहता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मोह है वो देश की इकोनॉमी पर बोझ बन जाता है मेरा अलग सोच है मैं मानता हूं कि पिरामिड की जो तय है वो जितनी मजबूत होगी उतना ही पिरामिड मजबूत होगा और इसलिए पिरामिड की सतह पर जो लोग हैं सारी हमारी रचना है उसमें जो सतह पर लोग हैं जो कोटी कोटि जन है उनकी अगर ताकत बढ़ती है भारत की अर्थव्यवस्था के वो हिस्से बनते हैं और जैसे मिलिन ने कहा कि हम जॉब सीकर बनना नहीं चाहते हम जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं हम भारत की जीडीपी में पार्टनरशिप करना चाहते हैं हम भारत की विकास यात्रा में से मिलाकर के आगे बढ़ना चाहते हैं यह जो ताकत है यह ताकत देश को आगे ले जाती है सरकार ने स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया है भारत के पास पैंसठ प्रतिशत जनसंख्या पैंतीस से कम आयु की है उनको हम किस प्रकार से अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दें उनका वो हौसला बुलंद करें कि वो खुद तो बढ़े दो और लोगों को भी आगे बढ़ाए और जब यह स्थिति बनती है तो देश फिर आगे अपने आप बढ़ता है उसको बढ़ाने के लिए कोई नई प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती है वो अपने आप पड़ता है और इसलिए इस दस साल की यात्रा से हमने जो पाया है क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि आने वाले दो साल में हम इस दस साल को भी आगे निकल करके उससे भी डबल करते हैं और संभव है संभव इसलिए है कि आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार है वो आपकी सरकार है जिसके दिलो जान इसी चीजों से भरे हुए हैं मुझे किसी को समझाना नहीं पड़ता मैंने जिंदगी जी है अपमान क्या होता है मुझे मालूम है हम तो जानते हैं पुराने जमाने से अगर हम लोगों के यहां से कोई बारात भी निकले और घोड़े पर बैठा हो तो मौत भूल जाता था अच्छे कपड़े पहन ले तो सामन मानसिकता स्वीकार नहीं कर सकती है और वो आज भी है तुम अच्छे कपड़े पहनते हो यह है आज भी है ऐसी अवस्था में आत्मनिर्भर आत्म, निर्फर, आत्म, निर्फर, आत्म सम्मान के साथ आगे बढ़ना ये सरकार की भी जिम्मेवारी है और आप सबका हौसला है वो मुझे नई ताकत देता है और इसलिए आप मान के चलिए कि दिल्ली में एक आपका साथी बैठा है जो इस बात को आगे बढ़ाना चाहता है। और मैं जिस अधिकार से ज्यादा कर्तव्य पर बल देता हूं क्योंकि यह मेरी पसंद का काम है क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर ने हमें यही रास्ता सिखाया था बाबा साहब आंबेडकर कहते थे वो कहते थे भाई दलित के पास जमीन नहीं है वो कहां जाएगा दलित के लिए तो रोजी रोटी का अवसर औद्योगिकरण में है देश में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो दलित को रोजगार मिलेगा दलित को काम मिलेगा खेती तो है नहीं उसके बाद जाएगा कहां और इस देश में औद्योगिकरण का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है तो निचले तबके के लोग जो कि रोजगार पाते हैं उनकी जिंदगी में बदलाव आता है बाबा साहब अंबेडकर के उन सपनों को हमें पूरा करना है बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो हम कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कौन बेटी है जो अभी पढ़ना बाकी है जी क्या अमीरों की बेटियां पढ़ना बाकी है क्या हमारे ही तो परिवार की बेटियां हैं जिसकी पढ़ाई बाकी रह गई और इसलिए जो सपना बाबा साहब ने देखा था उन सपनों को हम सपनों मिलकर के पूरा करना है और ये पूरे हो सकते हैं पूरे हो सकते हैं आज का यह दृश्य देख करके देश की अर्थरचना पर जो आर्टिकल लिखते हैं ना उनको भी नए सिरे से सोच करके लिखना पड़ेगा ये अगर मैं कह तो नहीं सकता हूं लिखेंगे लेकिन लिखना तो पड़ेगा यह बदलाव है ये बदलाव है इस देश में एक तबका जिसको कभी मान सम्मान तक मिलता नहीं था वो आज कहता है कि मैं ऐसा आगे बढूं ताकि मैं किसी को सम्मान से जीने का अवसर दूं, मैं उसको रोजगार दूं। ये सोच जो है ना वो ही शक्ति है और उस शक्ति के भरोसे आप आगे बढ़ रहे हैं मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं आइए हम कंधे से कंधा मिला कर के चले कदम से कदम मिला कर के चले और मुझे ये भी खुशी है अभी आप हमारे मिलिन जी ने वर्णन किया कि लंदन में बाबा साहब आम्बेडकर का जो मकान था वहाँ स्मारक बनाया लेकिन उसकी क्रेडिट पहली किसी जाती है तो कल्पना को जाती है क्योंकि सबसे पहले आवाज़ उठाई थी कल्पना ने उसने आवाज़ उठाई कि भाई जागो ये मकान बीच बिक रहा है और हम जागते थे हमारे कान पर आवाज आई और आज वो मकाम एक प्रेरणा का केंद्र बन जाएगा देश की युवा पीढ़ी जब भी लंदन जाएगी तो देखेगी हाँ इस जगह पे बाबा साहब आंबेडकर ने शिक्षा ग्रहण की और हिंदुस्तान को एक नया जीवन देने का प्रयास किया लेकिन फिर एक बार मैं कहता हूं आपने जो कर्तव्य का रास्ता चुना है देश को भी आप इस रास्ते की प्रेरणा देते रहिए हम सबको प्रेरणा देते रहिए फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहां बैठे समुदाय ने अधिकार से अलग कर्तव्य करके दिखाया है बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर वे चल रहे हैं सरकार की तिजोरी और गरीबों का पेट भर रहे हैं और निराशा के माहौल में जीने की आशा का संदेश दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सार्थक बात कही है हम उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं और अब डिक्की के मेंटर श्री चंद्रभान प्रसाद सभी के प्रति आभार व्यक्त करेंगे

ब्लेस्ड वी आर ब्लेस्ड वी आर बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस आवर ड्रीम ऑफ रियलाइजिंग ए हंड्रेड दलित बिलीनियर्स राइज इन दिस कंट्री विल कम ट्रू इफ वॉन्ट रॉबर्ट एल जॉनसन द फर्स्ट ब्लैक बिलीनियर इन द यूएस कुड इंस्पायर ए जेनरेशन ऑफ ब्लैक यूथ इन टू बिजनेस अवर दलित बिलीनियर्स विल डू दैट इन दिस कंट्री थैंक यू जस्टिस मिनिस्टर गहलोत साहब थैंक यू थैंक यू सी आई आई प्रेसिडेंट थैंक यू मिस्टर मिलिंद कामले इंडिया वॉशिंगटन टी बुकर ब्लैक इंटेलेक्चुअल वॉशिंगटन टी बुकर सेटअप फर्स्ट ब्लैक बिजनेस लीग इन शिकागो इन 1900 मिस्टर

प्राइम मिनिस्टर सर भूखी दलित माताओं के पेट से ये 1200 सौ करोड़पति पैदा हुए हैं hmm. <laughs> कोई एक इधर से पिक्चर ले ले। <laughs> चंद्रभान प्रसाद भावुक हो उठे हैं हम उनका आभार व्यक्त करते हैं सभी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और डिक्की के चेयरमैन श्री मिलिंद कामले से हम अनुरोध करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें अनुसूचित जाति और जनजाति के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उद्घाटन सत्र का हम यहाँ समापन करते हैं अगला सत्र इसी सभागार में आधे घंटे बाद प्रारंभ होगा चाहती जी जी और अब आप सभी सादर जलपान के लिए आमंत्रित हैं